हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सोशल लाइफ। आप सभी का स्वागत है हमारी स्पेशल सीरीज में जिसका नाम है सोनार बंगला। और दोस्तों, ये है एपिसोड 7। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ढाका मेट्रो रेल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, मैं हूं आहान, आप देख रहे हैं सोशल लाइफ, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ढाका बांग्लादेश का कैपिटल भी है और बांग्लादेश का लार्जेस्ट सिटी भी है, और यहीं पे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। 2010 में ये प्रोजेक्ट की स्टडी की गई थी और 2012 में बांग्लादेश की गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया था। 2013 में जापान ने ऑफिशियली एग्री किया कि वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेगा और 2014 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था। दोस्तों, कुछ ऐसे सिचुएशंस आ गए थे कि बीच में इस प्रोजेक्ट को रोकना पड़ा और 2016 में ये प्रोजेक्ट दोबारा स्टार्ट हुआ। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट को 6 लाइन्स में डिवाइड किया गया है। लाइन 1 से लेकर लाइन 5 तक अभी स्टडी चल रही है और इसके बारे में हम आपको अपडेट देते रहेंगे। और दोस्तों, लाइन 6 का कंस्ट्रक्शन चल रहा है जो उत्तरा से लेके मोटी झील तक चलेगी। ये पूरे प्रोजेक्ट में 52 स्टेशंस लगाए जाएंगे और लाइन 6 की 20 किलोमीटर की लेंथ होगी जिसमें 16 स्टेशंस आएंगे। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन इटालियन थाई बेस्ड पब्लिक लिमिटेड कर रही है जो बैंकॉक बेस्ड है। इसके साथ साथ चाइना की सिनो हाइड्रो पब्लिक लिमिटेड भी इस प्रोजेक्ट को बना रही है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का एस्टिमेशन कॉस्ट $2.8 बिलियन है, जिसमें से जापान की जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी 80% से ज्यादा फंड करेगी। दोस्तों, उत्तरा से लेके अगरगांव जिसमें 9 मेट्रो स्टेशन आएंगे और ये फेज को 2019 तक कंप्लीट करने का प्लान है और पूरे प्रोजेक्ट को 2024 तक कंप्लीट करने का प्लान है। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट को बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट में डाला है, इसी कारण ये प्रोजेक्ट 2024 से पहले भी कंप्लीट हो सकता है। दोस्तों, हम ढाका मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को अगर इंडिया के मेट्रो रेल प्रोजेक्ट से कंपेयर करेंगे तो ये प्रोजेक्ट थोड़ा कॉस्टली है, क्योंकि दोस्तों पर किलोमीटर में एक इंडियन मेट्रो रेल को $65 मिलियन लगते हैं, जबकि बांग्लादेश की इस मेट्रो रेल को $130 मिलियन लग रहे हैं। दोस्तों, इसका कारण ये है कि बांग्लादेश में कैरेज इंडस्ट्री नहीं है और जो भी कैरेज का सामान है वो जापान से इंपोर्ट करना पड़ता है और उस पर टैक्स एग्जेम्पशन भी नहीं है। और दोस्तों, इंडिया में पावर स्टेशन बहुत चीप है कम्पेयर टू बांग्लादेश। लेकिन दोस्तों, बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने आने वाले मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स को कम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में बनाने की बात की है। दोस्तों, लाइन 6 में 24 मेट्रो ट्रेन्स होंगे और हर ट्रेन में 6 कोचेस होंगे। इसको आर भी किया जा सकता है। इस कोचेस को जापान की फर्म कावासाकी मित्सुबिशी बना रही है। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट बनने के बाद इसकी डेली की पैसेंजर्स कैपेसिटी करीब 5 लाख होगी। ये सारे ट्रेन्स एयर कंडीशनड है, इसमें ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम है जो कॉन्टेक्टलेस इंटीग्रेटेड सर्किट से बनाया गया है। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट कम्प्लीट होने के बाद जो ढाका का ट्रैफिक प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। हम आशा करते हैं ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द कंप्लीट हो। आप इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं और आपको वीडियो कैसा लगा नीचे हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।